नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। जिस तरीके से आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त एक विषय बना हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, जो सिर्फ अभी आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। जी हाँ, जहां पर बाबा के चर्चे सिर्फ भारत में थे, अब वो पाकिस्तान में भी होने लगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय मीडिया अभी ये चर्चा कर रही है, लगातार दिखा रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर एक मंदिर है विशेष जो कि बाबा से जुड़ा हुआ है, यानी कि भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है, अब उसकी गूंज कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भी ये जानना चाहती है कि आखिर जो कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर है, वो दावा कितना सही है। अब ये मैं आपको क्यों बोल रही हूं, पाकिस्तान में ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो मीडिया है अब उसको जानना चाहती है, कोशिश कर रही है कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास क्या है या फिर जो कुछ कहा जा रहा है औरंगजेब को लेकर उसमें कितनी सच्चाई है। मैं बात करूं अगर आपको कि पाकिस्तान में ये मुद्दा किस तरीके से देखने को मिल रहा है या फिर शुरुआत वहां पर कैसे हुई, क्योंकि पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है फरक यूसुफी जई। अब आपको बताऊं कि इनका, अगर इनके बारे में हम लोग आपको बताएं कि आखिर ये कौन है, पाकिस्तानी मीडिया से ताल्लुकात रखते हैं, और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इंडिया में जितने भी डिबेट होते हैं, यानी कि भारतीय मीडिया जिस तरीके से डिबेट करती है, चाहे वो पाकिस्तान या इंडिया की कंट्रोवर्सी को लेकर हो या फिर पाकिस्तान और भारत के रिलेशन को लेकर हो, लगातार उन मुद्दों पर ये अपनी बातचीत करते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो ये सुचारू रूप से अपनी बातचीत को रखते हुए नजर आते हैं, यानी कि एक मुद्दा जिसको ये काफी बखूबी से बोलते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये भी जानना चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भी जानना चाहती है कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का मामला क्या है, तो मामला आप पहले सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से जानने की कोशिश की। व्यूअर्स, मैं फखर यूसुफ़ी और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात होगी ज्ञानवापी मॉस्क का इशू है हिंदुस्तान के अंदर, क्या है क्या नहीं है, कोर्ट का भी गालिबन इसके ऊपर कोई फैसला आया है या कोर्ट में पिटिशन फाइल की गई थी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा तो है, कुछ इंडियन न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की स्टोरीज, बट उस तरीके से मैं समझ नहीं पाया जो पॉइंट मैं समझना चाह रहा था कि हुआ क्यों और पहले से क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है। काशी और मथुरा है तो ये स्पेशल औरंगजेब के ऑर्डर पे तोड़ा गया। औरंगजेब ने क्या किया, क्योंकि मैं दोनों जगह गया हूं और हर हिंदुस्तानी गया, मैं क्या हर सब कोई भी जा सकता है। तो अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाते हैं तो ऐसे मंदिर है, और मंदिर से करीब 5 फुट दूर, 5 मीटर हार्डली एक दीवार लगी है, दीवार के उस साइड मॉस्क है। पहले ये सारा मंदिर था, और अगर आप आज भी इंटरनेट पे इमेज डालें, सर्च करें, औरंगजेब ने कहा था मंदिर तोड़ो, मंदिर की दीवारों पे ही उसने गुम्बद लगा दिया, ऐसे जो गोल सा वो लगाते हैं और मस्जिद में कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं उसके पास ईंट गारे की कमी थी, ईंट थी, गारा सब कुछ था, बट ही वांटेड टू सेंड अ मैसेज। जिस तरीके से वीडियो में आपने देखा कि यूसुफ के साथ साथ एक और व्यक्ति हैं जो कि राजनीतिज्ञ बताए जा रहे हैं, पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ इस सर्वेक्षण में उन्होंने जैसा बताया, जो डिबेट रखा गया तो उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसा कहा जाता है और बताया जाता है कि औरंगजेब का जो इतिहास है वो तलवारी इतिहास है, यानी कि उसने कई सारे जो मंदिर हैं उनके निर्माणों को तोड़ा है और वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण कराया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, जैसा आपने वीडियो में भी सुना, कि औरंगजेब के पास कमी नहीं थी, चाहे वो पत्थर की बात करें या फिर गारे की बात करें या फिर गिट्टियों की बात करें या फिर जो भी कुछ इस्तेमाल होता है मस्जिद के निर्माण के लिए या फिर मंदिर के निर्माण के लिए, उसकी कोई कमी नहीं थी उसके पास। लेकिन उन्होंने उस टाइम पर क्या किया, वो सारी चीजें तोड़ी नहीं बल्कि जो नक्शा था उसको थोड़ा सा हटाकर उसके ऊपर मस्जिद यानी कि गुंबद बना दिया, जो कि आज के अगर आप मथुरा या काशी में जाकर देखेंगे वहां के जो मंदिरों की संरचना है आपको ठीक उसी तरीके से दिखाई देगी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि 1991 का जो एक्ट कहता है उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि हिंदू का जो अधिकार है उसको छीनने की बात की जाती है, यानी कि 1947 में जितने भी ढांचे बनाए गए उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसको लेकर काफी चिंता भी मतलब देखी जाती है हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पर मुगल साम्राज्य था और औरंगजेब जो थे उन्होंने कई सारे मंदिरों को तोड़ा है, ये दावा भी किया गया है और इस बात में सच्चाई भी है, इसकी रिपोर्ट भी है जिस तरीके से वो अपने सर्वेक्षण में बता रहे हैं। अब क्या कुछ कहा है, क्या पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूरे डिबेट से ये पता चलता है कि पाकिस्तानी मीडिया को भी अब कहीं ना कहीं पर समझ आने लगा है कि जो दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे वाकई में मंदिर था, उसको तोड़कर निर्माण किया गया है और ये इतिहास रहा है कि
मुगलों के जो शासक रहे हैं उन्होंने सिर्फ तलवारबाजियां करके और तोड़कर, यानी कि जमीनी जो हकीकत है या फिर जमीनी जो कब्जा है वो शुरुआती से उनके उनके पास नहीं था, बल्कि कब्जा वहां पर किया गया है जो कब्जे अब देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अब उन पर दावा किया जा रहा है, अब बताया जा रहा है, जो धीरे धीरे जिस भी तरीके से इतिहास है वो सामने आ रहा है और दोहराता हुआ नजर आ रहा है, वो सारी चीजें पाकिस्तानी मीडिया को भी अब समझ आ चुकी हैं।